भारत के पूर्वी तट पर स्थित है सुंदर प्रदेश उड़ीसा, जहाँ के कोने कोने में कला और संस्कृति बसी हुई है। यहीं के उत्कल यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर में प्रोफेसर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजिक तथा गुरु केलुचरण मोहपात्रा ओडिसी रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर, सुविख्यात संगीतकार, गायक, संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित प्रोफेसर रामहरि दास आज हमारे बीच उपस्थित है। रामहरि दास जी, वेलकम टू आवर स्टूडियोज। नमस्कार। आपकी रुचि संगीत में कैसे उत्पन्न हुई? ऐसे तो संगीत के साथ सब जुड़े हुए होते हैं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मैंने तो जब छोटा था, बच्चा था, उस जमाने से मैं हारमोनियम बजाना मेरा एक शौक बन गया था। जब मैं स्कूल में पढ़ रहा था, क्लास 3 या 4 में, तो एक्चुअली संगीत कला एक संस्कार की बात होती है। कोई ना कोई घर में कलाकार हुआ होगा, हुई होगी, तो ये ट्रेंड चली जाती है। तो मेरे घर में मेरे पिताजी, इनके बड़े भाई, इनके छोटे भाई, मेरे खुद बड़ा भाई, हम लोग सारे गांव के जितने यात्रा हो या गांव का थिएटर हो, पाला हो, अन्य जितने भी ट्रेडिशनल आर्ट म्यूजिक डांस होता रहता है, ये सब जुड़े रहते हैं, हम भी जुड़ गए। तो शायद मुझे लगता है कि मेरे पूर्वजों का जो भी एक छोटा सा ट्रेंड कह सकते हैं, धारा प्रवाह कह सकते हैं, ये मेरे में बस गया और मैंने कलाकार बन गया। कैसे फिर आपने मतलब सीखा विधिवत रूप से? हाँ, मैंने एकदम जब गांव में था तो गांव में मेरे अंकल थे, मेरे पिताजी के छोटा भाई राधा कृष्ण दास जी के साथ मेरा संगीत शुरू हुआ, क्योंकि इनको हारमोनियम बजाना और कुछ गाने सिखाने का आता था, तो ये मुझे सिखाया। और हमारे लोकल उस्ताद कहते हैं इसको, जो गाँव का उस्ताद, मतलब ये गाने का बजाने का डिरेक्शन, तबला सब इनको मालूम होता है, प्रफुल्ल सूर, इनसे मैंने सीखा। और मैट्रिकुलेशन के बाद मैंने भुवनेश्वर चलाया, क्योंकि भुवनेश्वर में एक कॉलेज है गवर्नमेंट का, उत्कल संगीत महाविद्यालय। यहाँ संगीत सुधाकर बालकृष्ण दास, पंडित मार्कंडेय महापात्र, गुरु गोपाल चंद्र पंडा, गुरु भिकारी चरण बल, ये जैसे गुरु थे। तो खासकर जब मैं गांव में था, जब बालकृष्ण दास जी का गाना सुनता था, मुझे ताज्जुब लग रहा था कि ये लोग गाते कैसे, ऐसे कैसे गाते हैं, एंड ये गाने वो तो गा रहे हैं ठीक है, हमें क्यों अच्छा लग रहा है? उनका कौन सा गाना था जो आपको बहुत अच्छा लगा? इनका एकदम मैंने वो तो बहुत उड़िया फिल्म में, बहुत सारे फिल्मों में म्यूजिक डायरेक्शन दिया था। मैं शुरू कर सकता हूँ इनका जो जिससे आप प्रभावित हुए जिस गाने से? मोर मतले अतीत जे मोरे ना दहन जे सरे ना निरधारा झरे मोरा आखिरे जाए से तो लिखिरे বঞ্চনা সহি বঞ্চিবা পাই মন কেবে চাহে না অতীত যে মরে না পাস্ট কভি মরতা নেই এসা কুছ মতলব হে একদম এ গানে অভি মে সোচ রহা হুঁ ভৈরবি মে হে কিতনে ফিলিংস হে ইয়ে সারি চিজ লেকিন জব কুছ ভি নেই समझा मैंने समझ में नहीं आ रहा था, तो इसी वक्त ये गाने टच कर दिया कि कैसे ये लोग गाते हैं। मैंने जब सुना कि बालकृष्ण दास जी यहाँ लेक्चरर हैं संगीत महाविद्यालय में, मैंने अप्लाई किया और सीट मिल गया। एकदम किस्मत की बात है, सौभाग्य की बात है, लोग आज कहते हैं कि मैं शायद मेरे गुरु जी के जैसा गा रहा हूँ। जब संगीत की बात करते हैं हिंदुस्तान में, तो एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शैली है, एक कर्नाटक शैली है जी। अब एक प्रमुख धारा उड़ीसी संगीत उभर कर आई है, इसकी क्या विशेषताएं हैं? उड़ीसी म्यूजिक का जो उड़ीसा के लोग, उड़ीसा के स्कॉलर ने सोचा कि उड़ीसी डांस का क्लासिकल हो गया, क्योंकि उड़ीसी डांस जब क्लासिकल हुआ, इसके साथ इतना आजकल जैसा कॉस्ट्यूम्स ड्रेस का पेकुलरिटीज नहीं था, लेकिन संगीत का था, उड़ीसी कुछ गाने, ट्रेडिशनल गाने इसको लेकर। तो इन दिनों से जब ओडिसी का हो गया, डांस का हो गया, तो म्यूजिक का क्यों नहीं होना चाहिए।
तो ये चल रहा है, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि एक क्लासिकल म्यूजिक के लिए जो जो जरूरत है, जो जो चीजें की ये उड़ीसी म्यूजिक में है, इसकी क्या विशेषताएं हैं? गाने का ढंग, गाने की चीजें और प्रेजेंटेशन स्टाइल, गमक वगैरह, और क्या हम लोग गा रहे हैं उड़ीसी म्यूजिक के नाम पर, ये बहुत सारे चीजें हैं। तो इसमें अंग भी हैं क्या अलग अलग? उड़ीसी म्यूजिक के अंदर एक स्टेज प्रेजेंटेशन के लिए जो जो चीजें हम लोग गाते हैं, इसके ऐसे कुछ नाम है, नाम मतलब सदियों चली आ रही है। एक तो है ओडिसी, एकदम खास फर्स्ट आइटम इज ओडिसी, जिसके नाम पर म्यूजिक सिस्टम का ही नाम ओडिसी म्यूजिक है। देन कम्स चंपू, छांदो, चौतीसा, गीत गोविंद, भजन जनान, पल्लवी एक्सेट्रा। तो आप जैसे पूछा कि जैसे ध्रुवपद अंग, ये चीजें मैंने जो कहा कि ओडिसी, ये उड़ीसी के नाम पर जितने चीजें हम लोग गाते हैं, इसके चार पिकुलियरिटीज, चार अलग अलग का प्रकार भेद होते हैं, इसे हम लोग कहते हैं उड़ीसी ध्रुवपद अंग का, उड़ीसी राग अंग का, उड़ीसी भाव अंग, एवं उड़ीसी नाट्य अंग। तो ये चारों सिर्फ उड़ीसी आइटम पर है। आप एग्जाम्पल्स देंगे ताकि हमारे दर्शकों को भी? जी जी जी, उड़ीसी मैंने ध्रुवपद अंग का एक सुना रहा हूँ। ध्रुवपद अंग का बहुत सारे नाम है, माड़श्री, कुड़ुक गीत, मठा गीत, ऐसे कुछ नाम भी है। तो मैं सुना रहा हूँ एक माड़श्री। माड़श्री खासकर देवियों के वर्णना पर होता रहता है। जय कार्य होता रहता है, लाइन के वैरायटीज होता रहता है। तो दिस इज वी कॉल ध्रुवपद अंग उड़ीसी, राग अंग उड़ीसी। ये सारे चीजें राग में होता रहता है, लेकिन राग अंग उड़ीसी जो दो डिवीजन है, पर्याय है, इसमें राग गायन का जितने ही क्रिया, मतलब आलाप हो, विस्तार क्रिया हो, तान हो, ऐसे सब सारे चीजें ये राग अंग में होता रहता है। उड़ीसी गाने में जो चीजें हम लोग गा रहे हैं, ये तो बंदिश है, लेकिन बंदिश गाने का भी एक ढंग होता है। तो इसको हम लोग, इसे हम लोग कहते हैं उड़ीसी का जो कैरेक्टरिस्टिक वैशिष्ट्य, चारित्रिक वैशिष्ट्य, इसमें न द्रुत न विलंबित, वो जितने भी कंपोजिशन हम सदियों से सुन आ रहे हैं कि ऐसा ही कुछ है, बहुत स्लो नहीं या बहुत फास्ट भी नहीं, मध्य में ज्यादा है। दैट इज कॉल्ड सम संगीत, सम संगीत। तो ये है न द्रुत न विलंबित, और एक है गति आंदोलित। क्योंकि हम लोग जैसे हिंदुस्तानी सुनने से पहचान जाते हैं हिंदुस्तानी लग रहा है, और कर्नाटक का गमक आ जाने से हम आसान से हम कह सकते हैं ये कर्नाटक म्यूजिक है। इसे उड़ीसी के, उड़ीसी को पहचानने के लिए ये आंदोलित गमक का हम सहारा लेते हैं। और भाषा, क्योंकि बहुत ही भाषा प्रधान, भाषा और रागों का समान महत्व रहता है। रागांग में एक कंपोजिशन सुना रहा हूँ, राग शंकरा भरण में और ताल एक तड़ी में। तेज मनुमान मनुमान तेज सज कम जनयन पिरति विचक्षण रे तेज
तेजो मनुमान ये लाइन को एस्टैब्लिश करने के लिए सुर में ताल के साथ वैराइटीज होता रहता है। दिस इज राग अंग का ऐसा ही भाव अंग काम कर रहे थे क्योंकि वो समझ जाता है कि इसमें भाव का ही प्राधान्य होता रहता है। इसका मतलब है नहीं कि इसमें राग है नहीं। ये सब ट्रेडिशनल कंपोजिशंस जैसे मुखारी राग मुखारी पोचारो सही गो तंक आनकु पूछो इसे कि कहे थे आने के लिए क्यों नहीं आए। ए परे जेबे थीला तांको मोने ए परे जेबे अगर ऐसा कुछ तांको मने इनके मन में था तो ये क्यों कह कि मैं आऊंगा। ए परे जेबे थीला तांको मोने किंपा को हो थीले मुरली की छुई ये शपथ किया था मुरली के टच कर छूकर कि मैं आऊंगा। अच्छा फिर भी नहीं क्या किंपा नोएले मुरली की छुई तो ये सारी चीजें के साथ उभाव अंग का ही होता रहता है। एंड और चीजें है नाट्य अंग का मैं कह रहा था। नाट्य अंग ऐसे सुनने से लगता है कि कुछ नाटक खासकर जितने भी गोटीपुर संगीत के साथ होता है गोटीपुर गाने में खासकर नाट्य अंग प्रधान गाने ज्यादा ही होता है। जैसे चंद्रबदनी राम रसे रस ना चंद्रबदनी राम ये चलन ये गाने की ढंग एकदम जैसे नाट्य प्रधान है तो इसीलिए इसको क्लासिफाई किया है नाट्यांग। सखी गो मोरो कुंज कुआज आसिबे परासे आसिबे परासे नगर राज सखी गो मोर कुंज कुआ ये बे कुंदी से गज राज गमनि आज के ए रे गज राज गमनि आज के रे गज राज गमनि गज राज गमनि आज के रे गजरा ये सब चीजें नाट्यांग का ही होता है।